हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे और इस विपरीत परिस्थिति में भी सब स्वस्थ होंगे और प्रसन्न होंगे। तो चलिए आज आपको दिखाते हैं एक बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन जो कि रुमाल का है, और इस वीडियो में इसका स्केचिंग और पेंटिंग दोनों दिखाने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन को ड्रा करेंगे। देखिए कि बिल्कुल आसानी से इस डिज़ाइन को ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले तो ये शेप बनाएंगे, दिल का शेप पहले बना देंगे, और उसके बाद जहाँ जहाँ फ्लावर बनाना हो वहाँ वहाँ पहले टिक कर लेंगे कि हमें कहाँ कहाँ फ्लावर बनाना है, ठीक है। और उसके बाद छोटा छोटा फ्लावर इस तरीके से बना लेंगे। देखिए पहले शेप बना देंगे दिल का, ताकि जो डिज़ाइन हमारा बनेगा वो इसी शेप में आएगा। तरीके से कपड़े को फ्रेम में टाइट करने के बाद पेंट करेंगे। तो हम यहाँ जिस ब्रश का यूज कर रहे हैं वो पेन ब्रश नंबर 4 है, और जो ये ग्रीन कलर है वो सैप ग्रीन है, सैप ग्रीन इसका नंबर है 21। और फ्लावर में हम दो कलर का यूज करेंगे, एक क्रिम्सन रेड और दूसरा वाइट। इस पूरे डिजाइन को बनाने में बिल्कुल इजी स्टेप को हम फॉलो किए हैं। इस वीडियो को अंत तक देखिए और आप खुद से ट्राई कीजिए, आप आसानी से बना लेंगे। और हाँ, ये रुमाल है और इसमें छोटा सा ही डिज़ाइन बनाना है, इसलिए इसको बिल्कुल साफ़ बनाना है, साफ़ सुथरा बनाना है। ध्यान रखें कि इसमें इधर उधर पेंट लगे नहीं, क्योंकि बेडशीट होता है तो वो बड़ा होता है, उसमें कहीं थोड़ा सा लग भी जाता है तो उतना समझ में नहीं आता है। पर इसमें अगर थोड़ा सा कहीं लग गया तो पूरा जो रुमाल होगा वो ख़राब दिखेगा, भद्दा दिखेगा। सो ये ध्यान में रखें। तो इस तरीके से लीफ को फिल करने के बाद थोड़ा सा नीचे की तरफ हम डार्क ग्रीन कलर ऐड किए हैं। आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं, तो मेरे पास था इसलिए हम उसका यहाँ पे यूज किए हैं। इसी तरीके से सभी लीफ को बना लेंगे।
चलिए अब फ्लावर पेंट करते हैं। तो इसके लिए हम दो कलर लिए हैं, एक क्रिम्सन रेड और दूसरा वाइट कलर। फ्लावर के सभी पंखुड़ी को बारी बारी से इसी तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो फ्लावर के आधे पार्ट में क्रिम्सन रेड से फिल करेंगे और आधे में वाइट कलर से फिल करेंगे और फिर दोनों को मिक्स कर देंगे इस तरीके से। तो एक बहुत ही प्यारा डिज़ाइन बनेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। तो ये है इस डिज़ाइन का फाइनल लुक, जो कि बेहद खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार के एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक आप हमारे वीडियोज़ को देखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।